हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहले बताएंगे भारत आना चाहते थे मालदीव के राष्ट्रपति, फिर बदला मन, अब मजबूर होकर चीन के आगे फैलाए हाथ। जी हां दोस्तों, मांगने लगे चीन से भारत की काट। बताएंगे दोस्तों क्या चाइना पूरा करेगा इनकी मनोकामना, साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों इतना ही नहीं, भारत मालदीव विवाद में अब कूद पड़ा नेपाल, दे डाला ऐसा बयान, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अभिनंदन को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार था अपना भारत, भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें दागी थी, डरे हुए थे इमरान खान, टिके रहे पूरी रात, मोदी को फोन करने की कोशिश की, पूरी जानकारी पूरा खुलासा आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे भारत की नकल कर युद्ध पोत तैनात करने पर फंस गई पाकिस्तानी सेना, अब देने लगी ये सफाई, जिसके बाद सब समझ गए झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत आना चाहते थे मालदीव के राष्ट्रपति, फिर बदल दिया मन, अब मदद के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने को हुए मजबूर। बता दें मालदीव के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयानों के बाद शुरू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सामने आया है कि मालदीव ने पिछले साल नवंबर में अपने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के भारत दौरे का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था, हालांकि इसको लेकर आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया कि मालदीव की नई सरकार ने माले में भारतीय उच्चायोग को बताया कि मुइजू भारत की यात्रा करना चाहते हैं, हालांकि इस पर कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि इस दौरान भी यह दुपिया देश माले से भारतीय सैनिकों की वापसी का दबाव बनाए हुए था। यह आग्रह 17 नवंबर को मुइजू के मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद किया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव मैखिक था, बाद में वहां की सरकार इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ी। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू इस समय चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव की यात्रा रद्द किए जाने की घटनाओं के बीच चीन से उनके देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को तेज करने का अनुरोध किया। फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन को अपना निकटतम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक बना हुआ है। यहाँ बोलते उन्होंने 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगी और विकास भागीदारों में से एक है। इस परियोजना ने मालदीव को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान की है। अपने संबोधन में मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मालदीव में अपने पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में भेजने का आग्रह किया है। इस दौरान दोनों देशों ने मालदीव में एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर भी हस्ताक्षर किया है। यानी कि दोस्तों अब मोहम्मद मुइजू को यह पता चल चुका है कि भारत से एक भी पर्यटक मालदीव नहीं जाने वाले, जो कि सबसे बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है मालदीव को। अब ये जानने के बाद उन्होंने चीन के सामने हाथ फैलाए और कहा कि भारत के पर्यटक तो नहीं आएंगे, कृपया करके चीन आप अपने पर्यटकों को मालदीव भेजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव भेजिए। यानी कि भारत किया नुकसान चीन से भरपाई करने की कोशिश में लगा है मुइजू। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या चीन के राष्ट्रपति ये मनोकामना पूरी कर पाएंगे मुइजू की? क्या आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती फोर्स कर सकते हैं कि वो मालदीव जाए? क्योंकि चीन से बहुत कम मात्रा में लोग मालदीव जाते हैं, ऐसे में क्या राष्ट्रपति के कहने से लोग मालदीव चले जाएंगे, या फिर ये नेचुरली आता है कि पर्यटक कहां जाना पसंद करते हैं? बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम का नुकसान का मुइजू की सरकार कहीं से भी भरपाई नहीं कर पाएगी, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों आपको इतना ही नहीं बता दें, भारत मालदीव विवाद में कूद गया नेपाल, पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराई ने पीएम मोदी आरएसएस पर उगला जहर। बता दें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और घोर कम्युनिस्ट नेता बाबूराम भट्टराई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने भारत मालदीव विवाद में जबरन नेपाल को भी घसीटने की कोशिश की है। भट्टराई ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में विदेश नीति और सुरक्षा अध्ययन में फेलो कॉन्स्टेंटिनो जेवियर की एक तथा कथित स्टडी का हवाला देते हुए भारत पर अपने से छोटे देशों खासकर मालदीव और नेपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए अपने पड़ोसी देशों पर अखंड भारत की विरासत को बहाल करने का आरोप लगाया। बाबूराम भट्टराई ने कॉन्स्टेंटिनो जेवियर के ट्वीट को रीट्वीट लिखा कि पढ़ने योग्य यह जानना दिलचस्प है कि कैसे मोदी आरएसएस के नेतृत्व वाला भारत नेपाल और मालदीव जैसे छोटे राज्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सीमित स्वायत्तता और या आंशिक संप्रभुता को भी खत्म करने और दक्षिण एशिया में ब्रिटिश भारत की पूर्ण
अखंड आधिपत्य की विरासत को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, भले ही तथा कथित अखंड भारत की कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा की आड़ में। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ये भट्टराई खाते तो भारत का है लेकिन गाते हैं चीन का। दोस्तों भट्टराई नेपाल के ऐसे नेता है जो इलाज तो भारत में करवाते हैं लेकिन उसी के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते। ऐसे में इस प्रकार से दोहरे स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले, दोगरापन दिखाने वाले नेताओं को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा भट्टराई को आप लोग। अगली खबर की बात करें जहाँ पर सबसे बड़ी खबर, पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया की आने वाली किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में। अजय बिसारिया ने खुलासा किया है कि जब पाकिस्तान ने कैप्टन अभिनंदन को पकड़ लिया था तब भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार था। भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें दागी जिसके बाद पाकिस्तान थर थर कांपने लगा था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान टिके रहे, पूरी रात मोदी को फोन करने की कोशिश की, पीएम मोदी को फोन मिलाते रहे लेकिन मोदी ने उनसे बात नहीं की। इमरान खान ने अमेरिका और ब्रिटेन से संपर्क किया लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली, इसीलिए डर के मारे उन्होंने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अजय बिसरिया ने अपने इस किताब में सबसे बड़ा खुलासा किया है जो कि पूर्व भारतीय उच्चायुक्त है अजय बिसरिया जी। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उनकी पाकिस्तान में ही क्रैश लैंडिंग हो गई थी, तब भारत से कड़ा एक्शन मिलने के खौफ के चलते पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस कर दिया था। अभिनंदन की बहादुरी के लिए 2019 में उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया था। अभिनंदन उस समय विंग कमांडर थे और नवंबर 2021 में ग्रुप कैप्टन के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया था। अभिनंदन की क्रैश लैंडिंग से लेकर भारत वापसी तक की पूरी कहानी पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने ABP न्यूज के साथ साझा की है। उनकी किताब एंजर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भी आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान को यकीन हो गया था कि अगर वो अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा तो भारत उस पर कड़ी कार्यवाही कर देगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत खुलासे किए गए इस किताब के माध्यम से जो हम आपको यहाँ बताएंगे तो खबर बड़ी हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान हमेशा झुका रहेगा भारत के सामने, तो अपनी राय बच दीजिएगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय दोस्तों आप किसको देना चाहेंगे, किन की वजह से आज अपना भारत इतना मजबूत हुआ है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां भारत की नकल कर युद्ध पोत तैनात करने पर फंसी पाकिस्तानी सेना अब दे रही है सफाई, क्या कहीं ईरान का डर तो नहीं बता दे ईरान समर्थक हुतियों के हमलों के बीच। पाकिस्तानी नौसेना ने भारत की देखा देखी अरब सागर में अपने युद्ध पोत तैनात किए हैं। हालांकि पाकिस्तानी नौसेना इससे फंसती दिख रही है और अब सफाई दे रही है। पाकिस्तानी नौसेना ने कहा है कि अरब सागर में युद्ध पोत तैनात करने का पाकिस्तान का फैसला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए है, न कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ किसी खास देश की मदद करने के लिए। दोस्तों असल में ईरान समर्थक हूतियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि कहीं उसे भी अमेरिका से जोड़ ना दिया जाए, इससे ईरान भड़क सकता है। इस कदम के बारे में पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जहाजों की तैनाती का उद्देश्य यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ किसी देश की मदद करना नहीं है। यमन के हूती विद्रोहियों ने गाजा में फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अदन की खाड़ी और अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण के प्रयासों की जिम्मेदारी ली है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना का रुख भी सरकार जैसा ही है, वो युद्धग्रस्त गाजा में फलस्तीनियों का समर्थन करती है। अगली खबर की बात करें जहां मदीना की पवित्र मस्जिद में स्मृति ईरानी जी, इधर गुजरात में मोदी और नाहयान का गले मिलना, समझना तो पाकिस्तान और मालदीव को है। जी हाँ, हम पाकिस्तान नहीं जाते, हम अब मालदीव भी नहीं जाएंगे, मसला जाने का नहीं है। मसला ये है कि इन दोनों देशों की फितरत ही ठीक नहीं है, इन दोनों ही देशों का इतिहास दागदार रहा है, रिश्ता निभाने में इन्हें शून्य से भी कम नंबर दिया जाए तो इनके लिए ज्यादा ही होगा, लेकिन भारत भी आंखें तिरछी करने वालों को सबक सिखाने में हमेशा नंबर वन ही रहा है। दोस्तों हाल के दिनों में पाकिस्तान और मालदीव को इसका एहसास भी हो चुका होगा और आगे भी होता रहेगा। दुनिया भर की मीडिया में इस वक्त दो तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही है जो पाकिस्तान मालदीव को फूटे आंख भी नहीं सुहा रही होगी। वो दो तस्वीरें हैं गुजरात में मोदी नाहयान और मदीना की पवित्र मस्जिद में स्मृति ईरानी का पहुंचना। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान हमेशा से भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान समर्थित दहशत गर्द कई बार भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं लेकिन हर बार दुगनी मजबूती के साथ पाकिस्तान पर पलटवार करता रहा है। पाकिस्तान अपने इस रवैये के ही कारण दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है और भारत ने अंतरिक्ष तक पहुंच बना लिया, खाने तक को मोहताज पाकिस्तान की अकल अब भी ठिकाने नहीं आई है। अब बात करते हैं गुजरात में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अन नाहयान के मुलाकात और मदीना की पवित्र मस्जिद में स्मृति ईरानी
गए तस्वीरों की। ये दोनों ही तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि भारत ताकतवर मुस्लिम देशों से मधुर संबंध साझा कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत पाकिस्तान के बारे में नहीं बल्कि देश और नागरिकों की भलाई के बारे में सोचता है। भारत की सोच से अमीर मुस्लिम देश भी वास्ता रखते हैं, जिसकी तस्वीर गुजरात और मदीना में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को समझने की आवश्यकता है कि भारत की खिलाफत को छोड़ देश और नागरिकों के विकास के बारे में सोचे। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो अपनी सोच की वजह से धरातल में जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, ये दोनों ही तस्वीरें मालदीव के लिए भी करारा तमाचा है, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही मालदीव चीन का चमचा बना हुआ है। मालदीव की हरकत पर भारत ने नाराजगी तो जताई है, साथ ही ये भी एहसास करा दिया है कि भारत से पंगा लेकर मालदीव को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में एक तरफ गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति का पीएम मोदी से गले मिलना और दूसरी तरफ मदीना की पवित्र मस्जिद में स्मृति ईरानी का बिना बुरके के बिना किसी नियम निष्ठा के वहां पहुंचना और इजाजत देना, ये वाकई में दोस्तों भारत के साख को और दुगना तिगुना चौगुना करता है। और इन दोनों पाकिस्तान और मालदीव के चेहरे पर तगड़ा वाला तमाचा है भारत का। जी हां दोस्तों, ऐसे में वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो सच में सब कुछ मुमकिन है, तो लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर के उद्घाटन से गदगद अमेरिकी हिंदुओं ने निकाली रैली, 216 गाड़ियां 5 किलोमीटर लंबा काफिला। जी हां, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदू अमेरिकियों ने ह्यूस्टन में निकाली कार रैली, युवा बुजुर्ग हुए शामिल। बता दें अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसको लेकर देश भर में उत्साह तो है ही, लेकिन अमेरिका में बसे हिंदुओं में भी इसको लेकर खासा उत्साह है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिकी हिंदुओं ने ह्यूस्टन में एक बड़ी कार रैली निकाली। कार रैली के दौरान अमेरिकी हिंदुओं ने ह्यूस्टन के 11 मंदिरों में भी दर्शन किए और जय श्री राम और राम भजन गाए। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका यानी VHPA को भी आमंत्रित किया गया है। रैली के दौरान हिंदुओं में राम मंदिर की तस्वीर वाले भगवा ध्वज, भारतीय और अमेरिकी झंडा भी कार पर लगाया गया था। रैली के दौरान 216 गाड़ियों का 5 किलोमीटर लंबा काफिला निकला था। इस रैली को 8 बाइक पर पुलिस कर्मियां स्क्वाड कर रही थी। ये रैली श्री मीनाक्षी मंदिर से भी शुरू हुई थी और श्री शरद अम्बा मंदिर पर खत्म हुई। रैली के दौरान सभी गाड़ियां रास्ते में आने वाले 11 मंदिरों पर रुकी और जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ राम के भजन भी गाए। मंदिरों में हिंदू समुदाय के लोगों ने रैली का स्वागत किया। 6 घंटे की इस रैली के दौरान 160 किलोमीटर का सफर तय किया गया। जी हां दोस्तों, ये सारी पिक्चर्स हैं अमेरिका की। अब ऐसे में आपकी इस पर जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। अगली खबर की वो चले, जहां कौन है शेरिंग टोब के जो बनेंगे भूटान के नए प्रधानमंत्री। जीत पर पीएम मोदी जी ने भी दी बधाई। बता दे, भूटान में मंगलवार को हुए संसदीय चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने सबसे अधिक सीट जीती है और वो नई सरकार बनाएगी। लोगों को उम्मीद है कि नेता हिमालयी देश में आर्थिक संकट को दूर करने के वादों को पूरा करेंगे। भूटान के राष्ट्रीय प्रसारक भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक PDP ने 47 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 30 सीट जीती है, जबकि भूटान टेंड्रेल पार्टी को 17 सीट मिली है। इसके साथ ही शेरिंग टोबगे के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वो दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2008 में वो भूटान की पहली संसद में विपक्ष के नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शेरिंग टोबगे को इस जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे दोस्त शेरिंग टोबगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तहे दिल से बधाई। उम्मीद है कि आगे भी हमारे संबंध और मजबूत होंगे और आपसी दोस्ती व सहयोग बना रहेगा। अगली खबर बता दें, जेलेंस्की से पैसे मांगे गाजा को बर्बाद कर, अब अरब देशों से पैसा मांगने पहुंचे नेतन्याहू, जिस पर यूएई ने सुना दी खरी खोटी। जी हां, आखिर नेतन्याहू किसके लिए मांग रहे थे पैसे जो भड़क गए यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद। सुना दी खरी खोटी। बता दें, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल में हजारों फलस्तीनी श्रमिक काम करते थे। युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने उन सभी का लेबर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसके बाद से उन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। इसी संबंध में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से कथित तौर पर फलस्तीनी श्रमिकों को बेरोजगारी वजीफा देने की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को यूएई नेता ने ठुकरा दिया। बिन जायद ने नेतन्याहू से कहा कि जेलेंस्की से पैसे मांगो। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से सुझाव दिया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति रशिया के आक्रमण के बाद से कीव को मिल रहे सभी विदेशी सहायता से फलस्तीनी श्रमिकों के लिए बिल का भुगतान कर सकते हैं। अमीरात के एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू ने कुछ हफ्ते पहले अल नहयान से अनुरोध किया था। यूएई के एक अधिकारी ने बताया कि यह धारणा थी कि अरब देश फलस्तीन के पुनर्निर्माण के लिए आएंगे और वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए बिल का भुगतान करेंगे। ये उनकी यानी उन देशों की अपनी सोच है। इसके बाद दोस्तों यूएई ने करारा जवाब दिया है नेतन्याहू जी को। साथ ही साथ अगली
खबर आपको बता दें, जहां समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए भारत ने उठाया बहुत बड़ा कदम। अरब सागर में तैनात किए 10 से अधिक खतरनाक युद्ध पोत। बता दें, समुद्री डाकुओं के हमले से निपटने के लिए भारत ने उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले क्षेत्र में समुद्री कमांडो के साथ 10 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों को तैनात किया है। इससे फ्लैग दिखाने और समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपनी नौसैनिक उपस्थिति को और बढ़ाया जा रहा है। ये अभूतपूर्व एडवांस समुद्री सुरक्षा अभियान भारत की तरफ से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है। हालांकि भारत ने यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से सिविल और सैन्य जहाजों पर हमलों के बाद दिसंबर में लाल सागर में शुरू किए गए अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन समृद्धि गार्जियन में शामिल होने से परहेज किया है। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह जी, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें, ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉप्स से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच रक्षा सहयोग, सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं की गई। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री की यह यात्रा 22 साल के बाद हो रही है। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की आखिरी यात्रा जनवरी 2002 में हुई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ एक बैठक हुई। हमने भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की। हमने रक्षा सहयोग, सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चाएं की। जी हां, अगली खबर बता दें, लश्करे तैयबा के आतंकी को लेकर एनआईए का चार्जशीट में बड़ा खुलासा। पाक नागरिक हबीबुल्लाह का भी नाम शामिल। बता दें, एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में शामिल पाकिस्तानी आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आतंकी हबीबुल्लाह पाकिस्तान में है और वो आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के फ्रंट दी रेजिस्टेंस फोर्स का कमांडर है। हबीबुल्लाह मलिक भारत में जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके में ज्यादा एक्टिव है। पिछले समय में यहां पर आतंकी वारदातें भी ज्यादा देखी गई हैं। हबीबुल्लाह के साथ एजेंसी ने दो आतंकी हिलाल और मुसैब के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। ये दोनों ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो हबीबुल्लाह मलिक के लिए काम करते हैं। अगली खबर बता दें, भारत से विवाद के चलते क्या चली जाएगी मोहम्मद मुइजू की कुर्सी। आखिर किस विपक्षी नेता ने क्या कहा। बता दें, मालदीव सरकार के पूर्व मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को पद से हटाने की मांग हो गई है। मालदीव के एक सांसद ने यह मांग की है। मालदीव के कई अन्य शीर्ष नेताओं ने भी भारत विरोधी स्टैंड के लिए अपनी सरकार की तीखी आलोचना की है। दोस्तों, बता दें कि मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को पद से तो हटा दिया है, लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हो पा रहा है और शांत होने के बजाय ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मालदीव की पार्टी द डेमोक्रेट्स के सदस्य अली अजीम ने मांग की है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को सत्ता से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अली अजीम ने मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी MDP से मांग की है कि वो मोहम्मद मुइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। एक अन्य नेता ने मालदीव के विदेश मंत्री को भी समन भेजकर संसद में बुलाने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारत की तारीफ कर अपनी सरकार पर भड़की मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री। कहा, भारत हमारा 911 कॉल है, यानी कि इमरजेंसी कॉल है। बता दें, मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। सोमवार को उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां मालदीव सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाती है। मारिया ने कहा कि भारत मालदीव के लिए 911 कॉल है, जिससे किसी भी मुसीबत के समय मालदीव डायल करता है। मालदीव में 911 का मतलब होता है दोस्तों इमरजेंसी कॉल। जब इमरजेंसी की नीड होती है तो भारत को कॉल किया जाता है, इसीलिए भारत को 911 कॉल बताया गया है। इस पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद के द्वारा उन्होंने कहा कि भारत एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है, जिसने मालदीव को रक्षा समेत कई क्षेत्रों में मदद किया है। उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की निंदा की। जी हां दोस्तों, ऐसे में मुइजू को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या मुइजू को प्रधानमंत्री के पद से हटा देना चाहिए? दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अगर ये 7 दिक्कतें हो जाएं दूर तो टूरिज्म में मालदीव को पीछे छोड़ देगा अपना लक्षद्वीप। जहां पर सस्ती फ्लाइट, अच्छे होटल और पेयजल की है कमी। बता दें, मालदीव के साथ विवाद शुरू होने के बाद लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। भारतीय मालदीव का बॉयकॉट कर रहे हैं और लक्षद्वीप जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस के तौर पर लक्षद्वीप के विकास की योजना कोई नई बात नहीं है। साल 2020 में लक्षद्वीप प्रशासन ने टूरिज्म को लेकर एक नई पॉलिसी जारी की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और मालदीव के साथ विवाद के बाद लक्षद्वीप में विकास योजनाओं में तेजी आने की बहुत उम्मीद है। भारत के दोनों द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पिछले दशक में टूरिज्म मामूली ही रहा। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ही टूरिस्ट आते हैं और इस मामले में लक्षद्वीप थोड़ा पीछे ही रहा है। हालांकि इसके बावजूद दोनों जगहों पर टूरिज्म बढ़ ही रहा था, लेकिन कोविड इसके लिए बड़ा झटका बनकर सामने आ गया। बहरहाल, कोविड के बाद अब दोबारा यहां पर्यटन बढ़ रहा है। ऐसे में लक्षद्वीप की ये 7 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें
सबसे पहला नंबर है कनेक्टिविटी, दूसरा है प्रोफेशनलिज्म की कमी यानी लक्षद्वीप में अच्छे ट्रेंड मैन पावर की कमी है, तीसरा है ठहरने की व्यवस्था, पूरे लक्षद्वीप में सिर्फ 184 बेड की कैपेसिटी है, चौथा है पानी की कमी, पूरे द्वीप में पीने के साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, पांचवा है इंटरनेट, लक्षद्वीप में बहुत ही कम इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, छठा है बिजली, द्वीप में बिजली सप्लाई सीमित है और काफी महंगी भी है, सातवां है मार्केटिंग, सरकारी वेबसाइट तक पर द्वीप की अच्छी तस्वीरें नहीं लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके लिए लगातार लक्षद्वीप सुधार में कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि पीएम मोदी जी के जाने के बाद इसमें बढ़िया सुधार हो पाएगा, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चलें, जहां भारत ने रोका निर्यात तो पाकिस्तानियों की आंखों से आए आंसू, प्याज के दाम 240 रुपए किलो तक पहुंचे। जी हाँ, पाकिस्तान में प्याज की कीमतों ने आवाम की आंखों में आंसू ला दिए हैं। पाकिस्तान में एक किलोग्राम प्याज की कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में प्याज की बढ़ती कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि भारत ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका फायदा पाकिस्तान के थोक व्यापारी उठा रहे हैं। जब भारत ने 8 दिसंबर 2023 को मार्च 2024 तक के लिए प्रतिबंध का ऐलान किया तो पाकिस्तान के थोक व्यापारियों ने प्याज की जबरदस्त खरीदारी की। इससे पाकिस्तान में प्याज की कीमतें तुरंत ही 120 से 140 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 160 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। तब से पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में वृद्धि लगातार जारी है। जी हां, अगली खबर बता दें, एक बार फिर मालदीव विवाद के बीच शरद पवार ने पीएम मोदी पर कही वो बात जो कांग्रेस को पच नहीं रही। बता दें, पीएम मोदी के समर्थकों की इस फहरिस्त में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम जुड़ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी दूसरे देश का कोई भी शख्स पीएम के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करता है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बाहर देश का कोई भी व्यक्ति पीएम मोदी पर गलत टिप्पणी करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, आखिर वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इसी बात को लेकर दोस्तों कांग्रेस ने मुंह बना लिया। हालांकि कांग्रेस इस बात से सरोकार नहीं रखती है, इस पूरे मुद्दे पर उसका रुख बिल्कुल अलग है। कर्नाटक के कलबुर्गी में मीडिया से मुखातिब कांग्रेसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति के मामलों में अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे से जब मालदीव में चल रहे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता है। हालांकि चुनौतीपूर्ण और बुरी स्थितियों में हमें किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि संघर्ष उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से काटकर बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो देखा आपने दोस्तों, एक तरफ शरद पवार जी ने पीएम मोदी जी की जमकर तारीफ की तो दूसरी तरफ कांग्रेस को पीएम मोदी की तारीफ पच नहीं रही। जी हां, चाहे भारत का कोई भी पीएम मोदी पर बेइज्जती क्यों ना करके चला जाए, लेकिन दोस्तों कांग्रेस वहां पर भी पीएम मोदी का ही विरोध करेगी। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले, जहां अखिलेश यादव को राम मंदिर का निमंत्रण भेजा गया, अब देखना है कि राम जी बुलाते हैं या नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया साफ, बता दें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर राजनीतिक दल भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। सपा अध्यक्ष कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश यादव यहां तक कह चुके हैं कि जब प्रभु राम जी बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, जब जाएंगे तो भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। उनके निमंत्रण न मिलने के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने यानी विहिप ने जवाब दिया है। विहिप कार्याध्यक्ष ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने अखिलेश यादव के भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया गया है लेकिन अब उनको उनका बयान देखा राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे तो मैं इस बात का अब बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं, और अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर ममता बनर्जी का भाजपा पर आरोप, कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए कर रही है नौटंकी। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए नौटंकी कर रही है। तृणमूल कांग्रेसी प्रमुख ने कहा कि मैं ऐसे उत्सव का समर्थन नहीं करती हूं जिसमें अन्य समुदायों को अलग रखा जाए। दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि वो जनता को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। ममता ने कहा कि धर्म व्यक्तियों का होता है लेकिन उत्सव सभी के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि कल मुझसे अयोध्या में राम मंदिर पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, जैसे कि मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कि धर्म व्यक्तियों का होता है लेकिन उत्सव सभी के लिए होते हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां गाजियाबाद का ये होगा नया नाम, नगर निगम में प्रस्ताव पारित, सीएम योगी आदित्यनाथ जी लेंगे अंतिम फैसला। बताते गाजियाबाद नगर निगम ने मंगलवार को गाजियाबाद का नाम बदलने का एक प्रस्ताव पारित किया। अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा। गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने मंगलवार को बताया कि गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पार्षदों द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित किया गया और अब इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा। नया नाम उनके निर्णय के अनुसार रखा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठनों की ओर से गाजियाबाद जिले के नाम बदलने की मांग की जा
जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में पहली बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई। भाजपा पार्षद संजय सिंह ने मीटिंग में इस प्रस्ताव को पेश किया था। इसको लेकर गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल का कहना है कि कई लोगों ने जिले के नाम बदलने की अपील की है, पहली बार इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई है। सुनीता दयाल ने कहा कि जनता और हिंदू संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए तीन नाम बोले तो हरनंदी नगर, गजप्रस्थ और दूधेश्वर नाथ नगर सुझाए गए। इन तीनों में से कोई से भी नाम रखे जा सकते हैं गाजियाबाद के। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से गाजियाबाद का नाम पहली बार तो चेंज करना चाहिए कि नहीं, बताइएगा जरूर। और अगर करना चाहिए तो इन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाना चाहिए, हरनंदी नगर, गजप्रस्थ और या फिर दूधेश्वर नाथ, बताइएगा जरूर। बहरहाल ये देखिए सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।